ख्याल में जी लबैक या रसूलल्लाह। माशाल्लाह जी, आपने तो नारा भी लगा दिया। हाँ जी, लबैक। मुझे नहीं लगता कि वो भी हुकूमत में आके इस्लामी निज़ाम कायम कर सके। करेंगे यार, और किसने, काफिर ने तो नहीं करना। आप मुझे जेल में जाना कबूल करेंगे सादरी जी के लिए? जी माशाल्लाह, अभी छोटी उम्र है, बड़ी बातें कर रहे हो। हम ना किसी से डरते हैं खुदा के सिवा, ना ही किसी से डरेंगे। वैसे कौन से ऐसे मौलवी हैं जिनकी मेजोरिटी इस वक्त ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं यासिर सुल्तान। आज मैं मौजूद हूँ चौक यतीम खाना में। चौक यतीम खाना को तो आप बखूबी जानते होंगे, तो मैंने सोचा कि आज चौक यतीम खाना का सर्वे भी कर लिया जाए कि साद हुसैन रिजवी साहब के हलके की आवाम जो है वो इनके बारे में क्या सोचती है। चले मजीद आवाम से जाकर पूछते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मैं अमूमन कम ही करता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट तो लाजमी किया करें। पैगाम जितना आगे जाएगा उतना ही बेहतर होगा और मेरी भी सपोर्ट होगी और इसमें आसानी होगी। चलें हम आवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। अच्छा, सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो इस इलेक्शन से तुम इस्लामी निज़ाम लेना पसंद करोगे या जमहूरियत ही? इस टाइम के हिसाब ना तो इस्लामिक निज़ाम होना ही बेहतर है। और वजह है कि अमीर अमीर तो अमीरदार हो रहे हैं, गरीब गरीब तो गरीबदार हो रहे हैं। मतलब इस्लामी निज़ाम तो लगता है कि बराबरी की दौलत तकसीम करेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। कौन ले आ सकता पाकिस्तान जो इस्लामी निज़ाम, कोई है नज़र? नज़र नज़र ही तहरीक है लबैक हैगी। रियासत मदीना की गल की थी, आईडी कार्ड नहीं बना अभी, छोटे हो। चलो फिर भी बता दो कि इस दफा इलेक्शन में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम? मैं चाहता हूँ कि 75 साल हो गए हुज़ूर का दीन, पाकिस्तान तरक्की नहीं किया, और एक बार तरीके लबे को वोट दें, उनको चेक करें कि इस्लाम आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, पाकिस्तान अरबी करेगा। मतलब समझते हो कि सादर रिजवी साहब अगर आते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? इंशाल्लाह जरूर करेगा, अगर ना करे हमें पकड़ लेना, हम गिरफ्तार होना, हम जेल में जाना कबूल करेंगे सादर रिजवी के लिए। जी तो माशाल्लाह, अभी छोटी उम्र है, बड़ी बातें कर रहे हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, वोट पे तो सर्वे होता है, थोड़ा हट गया है कि आप क्या चाहते हैं कि इस इलेक्शन में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम जो है वो चले? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए यार, क्योंकि ये हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं वैसे भी, और हर चीज़ में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सब में सू चल रहा है, कारोबार में सू चल रहा है, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अगर इस्लामी माहौल आएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, वो अच्छा सोचेंगे। चलो मानता हूँ कि सूद नहीं ख़त्म हो सकता जो हमारे इस टाइम हालात हो चुके हैं, लेकिन लेकिन जहाँ पे 100% है वो 40% भी तो होगा, 60% होगा या 85% होगा, लेकिन होगा ज़रूर, फर्क जरूर आएगा, निज़ाम बदलेगा। आपके ख्याल में ला कौन सकता पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम, कोई है नज़र में? यार अभी तो जो जितने भी मौलवी हैं ना सारे, अगर एक खड़ा होता है तो वो कहता है ये सही नहीं है, मैं सही हूँ। अच्छा, अगर हम हुकूमत की बात करें तो वो भी कहता है यार ये सही नहीं है, मैं सही हूँ। वैसे कौन से ऐसे मौलवी हैं जिनकी मेजोरिटी इस वक्त ज़्यादा है? सादर रिजवी। सादर रिजवी साहब है, मतलब वो उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है तो फिर उन्हीं को कामयाब कर लें, क्या ख्याल है? अच्छी बात है, आना चाहिए ना दाम। जो लड़ते हैं वो बाद में खुद ही आगे बैठ जाएंगे, यार चलो ये जीत गया, हम भी इसके साथ बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, उनको जिताना चाहिए, वो बोलते हैं बात करते हैं, हलवे खाने वाले मौलवी नहीं है, वो चीज़ को समझते हैं। अल्लाह कामयाब करे। इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं? हाँ जरूर कर रहे हैं। चौधरी साहब, बोतल वगैरह सारी छोड़ दी है। इस्लामी निज़ाम आएगा ना एक बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके जी, अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सबसे ज़्यादा महंगा बाज़ार। अच्छा, हम सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो आप क्या समझते हैं
कि वोटों में तो बात होती रहती है, निज़ाम पे करते हैं कि जमहूरी निज़ाम आना चाहिए इस्लामी निज़ाम। इस्लामी निज़ाम ठीक है, लाएंगे भी या बस आना चाहिए? लाएंगे भी, इंशाल्लाह लाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश आपकी नज़र में कौन है जो इस्लामी निज़ाम ला सकता है? तहरीके लबैक। तहरीके लबैक, पूरा यकीन है? पूरा यकीन। बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम क्यों बदले, बड़े बड़ों को बदलते देखा है ना, हम ना किसी से डरते हैं खुदा के सिवा, ना ही किसी से डरेंगे। चले अल्लाह करे जी इस्लामी निज़ाम आए और अल्लाह कामयाब करे जी इस इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने सर्वे कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में वोटों पे तो लोग पूछते रहते हैं, लेकिन हम निज़ाम पे पूछ रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी निज़ाम तो सभी यही चाहेंगे कि इस्लामी निज़ाम आए, तो जमहूरी निज़ाम तो हम लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, अब तो हम यानी कि जमहूरी निज़ाम देखते देखते खुद बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इस निज़ाम से हम उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो जो हमें जो अपनी जो जो अच्छाई नज़र आ रही है ना, वो इस्लामी निज़ाम ही नज़र आ रही है, क्योंकि इस्लाम से हमारी इज्जत है, शान वकार है, और इस्लाम ही चाहिए हमें, इस्लाम है तो हम हैं, इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम ही आएगा। कोई है नज़र में जो ला सके इस दफ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये तो इस्लामी जो अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई ऐसा कोई अल्लाह का वली जो उठेगा, मर्द कलंदर उठेगा जो इस्लामी निज़ाम लाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है वो मुसलमान खुद भी ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर ही जो है कोई निज़ाम है, जिसमें तहरीक लबैक वाले जो है इनका नंबर मेरा ख्याल है पहले नंबर पर है, और इनकी काविशें भी काफ़ी अच्छी हैं, और ख़त्म नबूवत पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की तरफ जो है ना, इंशाल्लाह हमारा वोट होगा आपके सबका। चले जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम? देखिए, जो जमहूरी निज़ाम है वो इस्लाम में ही है, और इस्लाम में भी जमहूरियत इस्लाम के ताबे हो जाए तो फिर है। हाँ, फिर है। हाँ। तो हुकूमत किसी भी क्यों, लेकिन इस्लामी निज़ाम चलना चाहिए मुल्क में। हाँ। और अगर हम प्योर कोई इस्लामी जमात लेके आते हैं तो वो ज़्यादा सख्तियाँ करेगी आवाम पे, और हमारी आवाम जो है वो ज़्यादा लिबरल भी है, ये भी आपको पता है, आजकल जदीद दौर चल रहा है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में पूरे पूरे इस्लाम को ना पकड़ो, आधा इस्लाम तो पूरा भी होना चाहिए, आधा कैसे कर सकते हैं? वही बात होगी ना, हमें अब देखे ज्यादा सख्ती भी नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान हमारे सामने, इस्लाम सख्त नहीं है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ काफरों के लिए है बस, उनके लिए तो वो मैं भी कह रहा हूँ भैया, इस्लाम सख्त नहीं है, लेकिन हमने बना दिया, हमने बना दिया इस्लाम सख्त, ये जो मौलवी हजरात बैठ जाते हैं जी, वो तो मैं फितवा फितना वारियत हो जाएगी, वो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अब देखे इस्लामी निज़ाम जो है वो सख्त नहीं है, हमारी तारीख पढ़ लें, मेरे ख्याल में स्कूलों में इस्लामियात होनी चाहिए, बच्चों को दीन सिखाना जाए चाहिए, हमारी जो नई नस्ल है वो दीन से बहुत दूर है। कोई पार्टी है नज़र में जो इस्लामी निज़ाम ले आए? इस वक्त तो कोई भी नहीं लग रही, लेकिन मेरे ख्याल में सबको मुतहद होके ये सियासी जमात छोड़नी चाहिए, एक ही जमात बननी चाहिए। बड़ा मुश्किल काम कह रहे हो यार, ये हो ही नहीं सकता। अब एक दूसरे को चोर डाकू नहीं कहेंगे तो इलेक्शन में जीतेंगे कैसे? यही मैं कह रहा हूँ। चलो, तहरीक लबैक है, उसके बारे में क्या कह रहा है? तहरीक लबैक, मुझे नहीं लगता कि वो भी हुकूमत में आके इस्लामी निज़ाम कायम कर सके। करेंगे यार, और किसने, काफिर ने तो नहीं करना। आप मुझे ये देखे, आप मुझे ये बता दें कि इनकी जो तहरीक लबैक का मकसद है, जो मंशूर है, हमें उसका नहीं पता, नहीं हमें उन्होंने बताया है सीधी सी बात में, तो वो लोग सुने उनको गुस्सा है या ना है, वो आपको है किसी को है, मुझे इससे कोई कर चले, मैं बता गुस्सा क्यों करना, मैं थोड़ा बता देता हूँ जी। बोलिए, खत्म नबूवत का पता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पता है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गए, उनके बगैर कोई नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ये उनका मंशूर है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा इस्लामी निज़ाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हुकूमत में नाफिज किया था जी, किया था बिल्कुल, वही वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, चोर को सजा मिलेगी, सूद नहीं होगा, जिना नहीं होगा, और फहाशी नहीं होगी, ये चीज़ें ख़त्म की जाएंगी। ठीक है, और फ़िरका वारियत पे हमने उनसे पूछा कि फ़िरका वारियत कहाँ जाएगी, उन्होंने कहा कि हर एक को अपने दायरे के अंदर जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं उनके अंदर रहकर चलने में आज़ादी होगी, कोई दूसरे को तंग नहीं करेगा, कोई दूसरे पे फतवे नहीं लगाएगा, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हर कोई अपने दायरे में रह कर काम करेगा। सही हो गया, तो मेरे ख्याल से तो बेहतर चीज़ नज़र आ रही है तो बेहतर, माशाल्लाह अच्छा मशहूर है, अगर इस पर कायम रहे तो सीधी सी बात है। नहीं, ये तो बाद में पाया चलता है ना फिर। हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम लेने के सिर्फ एक चीज़ ख़त्म हो जाए, मैं कहता हूँ इस्लामी निज़ाम खुद ब खुद आ जाए। कौन सी? एक सूद, और दूसरी ये है कि फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाए ना, मैं कहता हूँ सब एक लाइन पे आ जाए, फिर सब ठीक ही है।
कोशिश करें आप भी, क्योंकि इस्लाम वही ला सकता है जिसको इस्लाम का पता होगा। वैसे तो कोई भी नहीं ला सकता। वैसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी भाई। बड़ी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। लाहौर के ही? जी, इधर के ही हूँ। अच्छा, हम सर्वे कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम असूलन तो। असूलन क्यों, कैसे? ये इस्लामी मुल्क है और उसका ही निज़ाम होना चाहिए। 76 सालों से क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। यही तो यार है पाकिस्तान। नहीं, वो जगाने के लिए बड़े लोग आए हैं, लेकिन उनको उनको चला दिया गया। जो जगाने आता उसको सुला देते। आपके ख्याल में कौन है जो इस्लामी निज़ाम ला सकता है इस इलेक्शन में? जमात इस्लामी आ सकती है, यानी कि तहरीक लबैक वाले। ये इमरान खान है। तहरीक लबैक का वैसे वोट जमात इस्लामी से ज्यादा हो गया है काफी। ये बात सही है। तहरीक लबैक चांस नजर आता है इस दफा? बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन नहीं आने देंगे, ये भी मुझे पता। नहीं यार, कोशिश करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। आने को ही नहीं देता। उम्मीद रखे बस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, तुम समझ दोगे आज दफा इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी हाँ जी, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जमहूरी निज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी निज़ाम ही आना चाहिए। अच्छा, कोशिश भी करोगे? की कोशिश भी करोगे? कोशिश भी करांगे। कौन है जेड़ा इस्लामी निज़ाम लिया सकता है इस वक्त पाकिस्तान? इस वक्त पाकिस्तान जो इस्लामी निज़ाम लिया सकते हैं तो साद रिज़वी साहब ने मेरी नज़र दे भेज दे तरीके लबे के यार रसूल अल्लाह ने। अल्लाह कामयाब करे जी, और आना भी चाहिए इंशाल्लाह जी। अल्लाह के हुक्म नाल तरीके लबे के यार रसूल अल्लाह ही आएगा। इसराइल दी प्रोडक्ट्स दा बायकॉट कर रहे हो? मैं कहना जी इसराइल ते बेशुमार लानत है जनाब, बड़ा जुल्म कर रहा है पाकिस्तान फलस्तीन दे विच, बहुत जुल्म करदा पिया है। बिल्कुल हर चीज उन्हां दी पाकिस्तान च बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह। ओके जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है 2024 च, तुसीं की समझदे हो ऐसे इलेक्शन च जमहूरी निज़ाम जिहड़ा चलदा आ रहा है रहे जां इस्लामी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। आना चाहिए, खुद भी कोशिश करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई है नज़र च जिहड़ा लै आवे इस्लामी निज़ाम? नज़र में तो आज तक जितने भी हुक्मरान देखे हैं ना, वो ये नहीं देखा कि कोई अवाम के साथ मुखलिस हो। आना तो इस्लामी निज़ाम चाहिए, लेकिन कम अज़ कम अवाम के साथ मुखलिस भी तो होना चाहिए ना। महंगाई देखो कहाँ पर पहुँची हुई है, पेट्रोल कहाँ पे है, आटे का क्या रेट चल रहा है। आजकल के दौर के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अगर 1000 रुपया भी दिहाड़ी कमा रहा है, 1500 रुपया भी कमा रहा है तो अपने घर का खर्च नहीं चला सकता। अगर कोई किराए पे है तो बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो और मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चले ऑप्शन में पूछता हूँ, तहरीक लबैक के बारे में क्या क्या? ठीक है, वो भी बात यह है ना, तहरीक लबैक कोई भी पार्टी है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, नून लीग है या तहरीक लबैक है, कोई भी है, वो कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए जो अपनी एक हुकूमत, सिर्फ एक हुकूमत अगर अवाम के साथ जो है ना मुखलिस होकर चलेगी ना, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में कहाँ से कहाँ चला जाए। चले इंशाल्लाह, नज़र तो आ रहा है कि वो चलेंगे अवाम के साथ। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा, सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, कि आपके ख्याल में जमहूरी निज़ाम ही रहना चाहिए इस्लामी निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। कोई आया नज़र में जो ला सकता है? खादिम रिज़वी का बेटा, खादिम रिज़वी, साद हुसैन रिज़वी साहब। हाँ जी। तहरीक लबैक एतमाद है पूरा? हाँ जी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपके ख्याल में जी लबैक या रसूलल्लाह? माशाल्लाह जी, आपने तो नारा भी लगा दिया। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे जी, और इस्लामी निज़ाम भी आए जी। हाँ, है हमारी इसराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं जी। हाँ जी, अल्लाह आपको अजर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। इधर ही काम करते हैं जी भैया जी, दुकान है मेरी। सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन में आप क्या समझते हो कि जमहूरी निज़ाम जो चलता आ रहा है वही रहना चाहिए इस्लामी निज़ाम आना? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए भैया। कौन है आपकी नज़र में जो ला सकता है? इमरान खान। इमरान खान तो पार्टी चेयरमैन नहीं है अभी, वो आएगा तो भैया सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब ये कुछ 7 साल और इंतजार करेंगे? नहीं भैया, इंशाल्लाह अगले साल ही आ जाएगा। अच्छा चलो, एक और ऑप्शन पूछ रहा हूँ तहरीक लबैक के बारे में। जी भैया, वो भी सही है बिल्कुल। आ जाए, आ जाए, वो भी आ जाए, बस एक गंजा चला जाए इस दुनिया से। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इमरान खान इस दफा पार्टी चेयरमैन नहीं है, लबैक वाले आ जाए भैया, गंजे का रास्ता रोके बस। हाँ जी, गंजे का रास्ता रोके।